जादूगर हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि पिछली वीडियो आपने खूब पसंद की, जहां हमने कुछ कमाल के जादू के पीछे के ट्रिक्स को देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में भी हम कुछ बहुत ही फेमस जादू के राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जिसे आप जादू समझ रहे हैं वो बस एक कमाल की ट्रिक और जादूगर की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैपनीज मजिशियन हिरोकी हारा ने ये कमाल का लेकिन बहुत ही खतरनाक एस्केप एक्ट किया, जिसने सबको हैरान कर दिया। एक्ट देखने से पहले दोस्तों, जादूगर इन्हें परफॉर्म करने से पहले इसकी काफी प्रैक्टिस करते हैं और तब ऐसे खतरनाक एक्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसे घर पर या कहीं भी करने की कोशिश ना करें। इस डेंजरस एस्केप एक्ट में मैजिशियन पहले तो स्टेज पर लाल ड्रेस पहने आता है और एक कर्टेन को लिफ्ट करता है, और ये क्या, पलक झपकते ही उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मैजिशियन इस डेथ ट्रैप में जाता है, जहां एक रस्सी से बंधे कुछ चाकू लगे हुए हैं। मैजिशियन इस बॉक्स के अंदर चला जाता है और फिर उसके असिस्टेंट इस रस्सी को आग लगा देते हैं। जैसे ही रस्सी जलकर टूटती है, इससे बंधे चाकू पूरी फोर्स के साथ बॉक्स में घुस जाते हैं, यानी जो भी बॉक्स के अंदर मौजूद होगा आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होगी। और बॉक्स के अंदर तो मैजिशियन है, तो अब क्या। लेकिन जैसे ही बॉक्स को ओपन किया जाता है तो वहां कोई नहीं होता, और तभी मैजिशियन जजेस की टेबल के पास अचानक से कहीं से निकल कर आ जाता है। ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तो ये हुआ कैसे, कैसे मैजिशियन इस डेथ ट्रैप से बच निकला, चलिए जानते हैं मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में दो पार्ट थे, पहला ये ड्रेस चेंज और दूसरा ये एस्केप एक्ट। ड्रेस चेंज वाले पार्ट में मैजिशियन ने पहले से ही दो ड्रेस पहनी थी, और ऊपर जो रेड ड्रेस पहना था उसमें कोई बटन्स नहीं थे, यानी मैजिशियन उसे आसानी से खींचकर निकाल सकता था, और पर्दा उठाने के बाद मैजिशियन को बस इतना ही करना था। अब आते हैं इस डेंजरस एस्केप वाले पार्ट पर। सबसे पहले तो ये चाकू जो आप देख रहे हैं ये फेक है, यानी अगर एक्ट फ्लॉप भी होता है तो भी मैजिशियन को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन एक्ट फ्लॉप होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। मैजिशियन इस डेथ बॉक्स के अंदर जाता है और सारा खेल इसी बॉक्स का है। दरअसल इस बॉक्स में दो कंपार्टमेंट थे, और इस सीक्रेट कंपार्टमेंट में पहले से ही एक असिस्टेंट मौजूद था। इसके साथ ही बॉक्स तक पहुंचने के लिए इसके नीचे जो सीढ़ियां रखी हैं वो भी अंदर से बिल्कुल खाली है। और जब मैजिशियन बॉक्स के अंदर जाता है और होल से अपने हाथों को बाहर निकालने की एक्टिंग करता है, असल में वो असिस्टेंट का हाथ होता है। और जब मैजिशियन पूरी तरह से बॉक्स में चला जाता है, दरअसल वो इस डेथ बॉक्स से होते हुए नीचे बने इन सीढ़ियों वाले बॉक्स में चला जाता है, और यहाँ जो हाथ हमें दिखाई दे रहा है वो असिस्टेंट का होता है, जो पहले से ही बॉक्स में बने सीक्रेट कंपार्टमेंट में मौजूद था। इसके बाद बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और अंदर असिस्टेंट वापस पीछे बने अपने सीक्रेट कंपार्टमेंट में चला जाता है, जो बिल्कुल सेफ है। और मैजिशियन तो पहले से ही नीचे सीढ़ियों वाले कंपार्टमेंट में जा चुका है, जिसे एक्ट को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ से हटाकर साइड कर दिया गया है, और इस तरह मैजिशियन बिना किसी की नजर में आए स्टेज से निकल जाता है। और अब आगे, जब रस्सियों में आग लगाई जाती है और रस्सी के टूटने पर चाकू पूरी फोर्स से अंदर घुसता है, तो अब आपको पता है बॉक्स में अंदर कोई नहीं है। और इस तरह से इस डेंजरस दिखने वाले एस्केप एक्ट को बहुत ही चालाकी से कर लिया जाता है। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि जादूगर ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया है। हमारी अगली मैजिशियन अपने ऑडियंस को डराने का ही काम करती है। इस छोटे से लेकिन कमाल के एक्ट में मैजिशियन स्टेज पर रखे इस टेबल पर ना जाने कहां से प्रकट हो जाती है। इसके बाद वो जजेस की टेबल के पास आती है और वहां रखे इस बॉक्स को ओपन करती है, और बॉक्स में से एक फोटो निकालती है जो उन चारों जजेस की फोटो होती है। मैजिशियन इस फोटो को फोल्ड करती है और फिर से अनफोल्ड करती है, लेकिन ये क्या, फोटो में से एक जज का सर गायब होता है। इसके बाद टेबल पर रखा बॉक्स अपने आप ओपन होता है, और इसमें से मैजिशियन एक वुडू डॉल निकालती है, और जब सबको उस डॉल का चेहरा दिखाती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फोटो पर से जो जज का फेस गायब हो गया था वो इस डॉल के चेहरे पर होता है। लेकिन कैसे, कैसे मैजिशियन स्टेज पर अचानक प्रकट होती है,
कैसे फोटो से चेहरा गायब हो जाता है और गायब होकर बॉक्स में रखे डॉल पर लग जाता है। जब तक जादू के पीछे का सीक्रेट ना पता हो, ये एक अजूबा ही लगता है। तो चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। दरअसल मैजिशियन स्टेज पर अचानक कहीं से प्रकट नहीं हो जाती, वो पहले से ही स्टेज पर रखे इस टेबल में बने इस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपी होती है। ये कंपार्टमेंट किसी को नहीं दिखता, क्योंकि एक तो सब कुछ काला है जिससे ये नजर नहीं आता, और साथ ही आगे आग जल रही है जो इस कंपार्टमेंट को अच्छे से छुपा रही है। और इस तरह मैजिशियन बस इस कंपार्टमेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो अचानक कहीं से प्रकट हो गई है। अब आते हैं इस पार्ट पर। यहाँ मैजिशियन पहले एक फोटो निकालती है जो चारों जजेस की होती है, और जिस जज का फेस गायब हो जाता है, दरअसल ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनका चेहरा पहले से ही कटा होता है, जिसे फोटो को फोल्ड करते टाइम मैजिशियन बहुत चालाकी से निकाल कर अपने लेफ्ट हैंड में छुपा लेती है। और जब फोटो को वापस अनफोल्ड किया जाता है तो वहां जज का चेहरा नहीं होता। लेकिन अब भी सवाल ये है कि वो चेहरा बॉक्स में रखी डॉल पर कैसे लग जाता है। तो दोस्तों सारा खेल इस बॉक्स में है। दरअसल बॉक्स में एक हिडन कंपार्टमेंट होता है जहां पहले से ही दूसरी डॉल छुपा कर रखी होती है, जिस पर पहले से ही उस चेहरे की दूसरी कॉपी लगी होती है। और जब मैजिशियन जजेस को स्टार्टिंग में बॉक्स दिखाती है तो उसमें एक ही डॉल दिखती है, लेकिन जब मैजिशियन उसमें से डॉल निकालने की एक्टिंग करती है, असल में अंदर वो उस डॉल को सीक्रेटली छुपाए गए डॉल से एक्सचेंज कर देती है। और जब डॉल को बाहर निकाला जाता है तो उस पर जज का चेहरा लगा होता है, और सबको देखने में वही लगता है जो कुछ देर पहले आपको लग रहा था। लेकिन अब आप भी इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट जानते हैं। ये ट्रिक काफी सिंपल है, लेकिन देखने वालों के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रिक है। एक कार्ड पर सोडा कैन को इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं आप, जी ट्रिक के सीक्रेट को जानने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। दरअसल यहाँ जो कार्ड यूज किया गया है वो सिंगल कार्ड नहीं है, बल्कि दो कार्ड्स हैं जिनके हाफ पोर्शन आपस में जुड़े हुए हैं। और जब मैजिशियन कैन को बैलेंस करने की एक्टिंग करता है, इसी बीच वो पीछे वाले कार्ड के हाफ पोर्शन को चालाकी से फोल्ड कर देता है, जिससे कार्ड टी शेप में कुछ इस तरह से आ जाता है। और अब इस कार्ड को टेबल पर खड़ा किया जा सकता है। और बस यही सिंपल सी ट्रिक है इस इम्प्रेसिव मैजिक के पीछे। एक और कमाल का एस्केप एक्ट जिसे डेमियन आदित्य ने किया, जिनके गड्ढे में जिंदा दफनाए जाने वाले गजब के एस्केप एक्ट को हमने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं डेमियन के इस एक्ट पर। यहाँ पहले मैजिशियन को इस बॉक्स के अंदर डालकर लॉक कर दिया जाता है। उनके हाथ भी लॉक्ड होते हैं। बॉक्स के नीचे आग जल रही है और स्पाइक्स भी लगे हैं, यानी अगर बॉक्स इस पर गिरा तो बचने की कोई संभावना नहीं है। बॉक्स एक रस्सी से जुड़ा है जिसे असिस्टेंट आग लगा देते हैं, और अगर रस्सी के टूटने से पहले मैजिशियन बाहर नहीं आ पाता है तो वो सीधा नीचे इन स्पाइक्स पर गिरेगा। लेकिन जैसे ही रस्सी टूटती है, बॉक्स नीचे गिरने की बजाय हवा में ही फंस जाता है। सबको लगता है शायद गलती से बॉक्स अटक गया है, लेकिन तभी मैजिशियन जो कुछ मिनटों पहले इस बॉक्स में था वो जजेस के पास पहुंच जाता है। लेकिन कब और कैसे मैजिशियन इस बॉक्स से निकला, तो चलिए जानते हैं। दरअसल आप यहाँ पीछे एक बड़ा सा काला कपड़ा देख सकते हैं, जिसके पीछे कुछ तो है जिसे ढका गया है। पहले तो मैजिशियन लॉक से अपने हाथों को निकालने की एक्टिंग करता है, जबकि वो लॉक कभी भी बड़ी आसानी से खोल सकता था, क्योंकि वो एक फेक लॉक था जिसे एक हाथ से भी आराम से खोला जा सकता है। इसके बाद जब रस्सी टूटती है और बॉक्स हवा में अटक जाता है, वो एक प्लांट सेटअप था, और इस वक्त मैजिशियन बॉक्स के दूसरी साइड बने डोर से निकल कर और इस बड़े काले कपड़े के पीछे रखे सीढ़ियों से उतर कर वहां से निकल जाता है। और जब सब यही सोच रहे होते हैं कि बॉक्स हवा में क्यों लटक गया, डेमियन उतनी देर में स्टेज से निकलकर यहां जजेस के पास पहुंचकर सबको हैरान कर देते हैं। इस अगले कमाल के मैजिक को परफॉर्म किया है फेमस मैजिशियन क्रिस एंजल ने। और भी बहुत सारे मैजिशियन हैं जिन्हें आपने ये ट्रिक परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन आज आप इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट भी जानने वाले हैं। इस एक्ट में मैजिशियन एक मोटी चेन को अपने गले में कुछ इस तरह से लपेट लेता है, और फिर अपने असिस्टेंट को दोनों तरफ से चेन को खींचने के लिए कहता है।
सब बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि चेन के बीच मैजिशियन का गला है। लेकिन जब चेन को खींचा जाता है तो ये क्या, चेन मैजिशियन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके गले के आर पार निकलकर आ जाती है। लेकिन कैसे, क्या चेन असली नहीं थी या उससे कोई छेड़छाड़ की गई थी? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ चेन बिल्कुल असली है और काफी मजबूत भी। तो चलिए जानते हैं असल में इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट है क्या। दरअसल दोस्तों सारा खेल उस तरीके का है जिससे मैजिशियन ने चेन से अपने गले को बांधा है। इसे फॉल्स लूप कहते हैं, जो कुछ इस तरह से बांधा जाता है। यहां मैजिशियन के लंबे बाल पीछे से उसके इस फॉल्स लूप को छुपा लेते हैं। बात करें बाकी मैजिशियंस की तो वो स्टेज पर होते हैं और पीछे का साइड किसी को नहीं दिखता। और इस तरह से जब चेन को जोर से खींचा जाता है वो मैजिशियन के नेक को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना आराम से खुल जाता है। लेकिन देखने वालों को ये किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन अब आप जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।